Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports. Tera vaada agar wafa hoga. तुम क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज खुलकर बताओ, जल्दी बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है. आप पापा बनने वाले? क्या तुम सच कह रही हो? सारा तुम नहीं जानती हो, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सुनाई है मुझे. लेकिन अब मैं सारी जिम्मेदारी ना सारा की तुम्हें दूंगी. तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना होगा. अच्छा, आप फिक्र नहीं करें अम्मी, मैं सारा का इतना ख्याल रखूंगी कि इसे बेड से भी नहीं उतरने दूं. जीती रहो बेटा, सारा जाओ जाके आराम करो, मुझसे नहीं होंगी सारा की खातिरदारियां. ये बात तुम्हें मुझसे नहीं मां से कहनी चाहिए, लेकिन ये बात करते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखना कि अगर मां ने तुम्हें गुस्से में इस घर से जाने का कह दिया तो मुझसे ही उम्मीद मत रखना कि मैं उन्हें समझाऊंगा या फिर तुम्हारा साथ दूंगा. तेरा वादा अगर वफा होगा. वो किसका फोन था? रॉन्ग नंबर है. क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं जिंदगी भी कितनी अनएक्सपेक्टेड होती है. जैसे ही आपको लगता है कि ये खत्म होने वाली है, फिर से शुरू हो जाती है. तुमसे शेयर नहीं किया था मैंने, वो उसके कहने पर बाहर जाने से मना कर दिया था. फिर डर गया, परेशान हो गया, ये जॉब से फायर ना कर दिया जाओ. फिर से वही स्ट्रगल शुरू. फिर तुमने जैसे ही ये गुड न्यूज सुनाई, सारी परेशानियां एक सेकंड में खत्म हो गई. बस याद रहा तो ये कि जिंदगी का एक ग्रेड और बढ़ गया. बेटा, शोहर, भाई, इन सब के साथ साथ अब बाप बनने की जिम्मेदारी भी आ गई है मुझ पर. और ये एहसास ना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा और खुशहाल एहसास है. इससे बड़ी खुशी नहीं मिल सकती थी मुझे. और सबसे बढ़कर ये कि मैं इस खुशी में अकेला नहीं, आपके साथ. ये सब मुमकिन ना होता अगर आंटी अपनी अना को ना बुलाती. कुछ इतने मान से तुम्हें लेकर आई है यहां, उसको देखने के बाद सारी शिकायत दूर हो गई है मेरे, भूल गया उन सब. दिल अपनों के लिए शिकायत रखने के लिए नहीं होता, बल्कि उन्हें भुलाकर अपनों का मान बढ़ाने के लिए होता है. जहां तक रही आंटी की बात, मेरी पूरी कोशिश होगी कि अब उनको शिकायत का कोई मौका नहीं दूं. मुझे यकीन है तुम कि तुम ऐसा ही करोगे. कल लंच साथ में करें? हाँ ठीक है, यू डिसाइड द रेस्टोरेंट, मैं आ जाऊंगा. रेस्टोरेंट नहीं, तुम घर आ जाना. मैं चाहती हूँ तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाऊं. दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? नहीं, मारिया कल अपने मैके चली जाएगी,
वो बिलाल को बता रही थी तो मैंने सुन लिया। फिर तुम कल आओगे ना? हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। तुम कुछ अपसेट लग रहे हो। है और कुछ नहीं, बस वो अली और सारा घर वापस आ गए। ऐसे नहीं आई होगी सारा, यकीनन कुछ सोच के आई होगी। क्या मतलब? माँ उन्हें वापस लेकर आई हैं। एक्चुअली वो सारा एक्सपेक्ट कर रही है ना, इसलिए। हो तो आप समझिए कि वो आंटी के इमोशन से खेल रही है, क्योंकि अलग रह के तो उसे सब कुछ नहीं मिल रहा होगा ना, जिसके लिए उसने अली से शादी की थी। अब लकीली वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो इसी बात को एक्सक्यूज बना के वो घर आ गई है। अब तुम देखना शहीर, इस सब के बाद अली की नजरों में सारा की अहमियत और भी बढ़ गई होगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मारिया अपने मिसकैरेज के बाद घर लौटी थी। उस दिन के बाद बिलाल ने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। तुम देखना शहीद, अली भी अपना मकसद पूरा होते ही बिलाल की तरह अलग हो जाएगा। मकसद? कैसा मकसद? शायद उसे बिजनेस में कुछ हिस्सा चाहिए हो, क्योंकि जॉब करने के बाद तो उसे इतना अंदाजा हो गया होगा कि सिर्फ जॉब से गुजारा नहीं होता। सारा ने आज भी ऑफ किया है। There must be reason for that. नई जॉब में इतनी छुट्टियाँ, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी लिहाज से अफोर्डेबल है। लेकिन सारा को इस बात की कोई परवाह नहीं है और ना ही उसे इस जॉब की फिक्र है, इसीलिए विदाउट इन्फॉर्म किए छुट्टी कर रही है। क्या हो गया फकत? तुम बहुत ही खड़ूस बॉस की तरह रिएक्ट कर रहे हो यार। हम इस कंपनी को रन करते हैं रेहान, किसी भी एम्प्लॉय की वजह से अगर हमारी कंपनी को कोई लॉस पहुँचता है, मेरा नहीं ख्याल कि उस एम्प्लॉय की कोई गुंजाइश रहती है फिर। फगर, इस कंपनी में किसको रखना और किसको नहीं, आई थिंक इसका डिसीजन तुम अकेले नहीं ले सकते। तुम कुछ ज्यादा फेवर नहीं दे रहे हो सारा को? कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, मैं उसको लूज नहीं करना चाहता। और वैसे भी इन मामलों पर फोकस करने के बजाय अगर तुम कंपनी के दूसरे इश्यूज को रिजॉल्व कर लो ना, तो हमारे इमेज के लिए बहुत बेहतर हो। वालेकुम सलाम। शायान बात कर रहा हूँ। बोलो क्या बात? वो दरअसल अम्मी ने आज शाम एक फैमिली गेट टुगेदर रखा है, तो उसी के लिए इनवाइट करना था। मेरा आना पॉसिबल नहीं होगा। रेहान भाई सब मौजूद होंगे। अम्मी जा रही थी, अगर आप भी आ जाएं तो अच्छा होगा। आप प्लीज कुछ करके थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिएगा, वो अम्मी खुश हो जाएंगी। लोगों को खुश करना छोड़ दिया है मैंने। बस आंटी बहुत खा लिया मैंने। अरे तुमने तो ठीक तरह से कुछ खाया ही नहीं सारा। अली समझाओ इसे, मैं खाने पीने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी इसकी। अरे माँ मैं कैसे समझाऊं, आपकी बहू है, आप खुद ही समझाइए। अरे भाभी आप आइए ना, अंदर आइए। नगीन अंदर आ जाओ, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? एक्सक्यूज, कौन सुन क्या? हेलो, हाँ समीर। देखो जरा तारा की लापरवाही, मैंने मना भी किया था कि अब से सारा को चाय नहीं देनी। तुम्हें कहा था ना मैंने ध्यान रखने के लिए, ये ख्याल किया तुमने,
आंटी, इसमें नगीन भाभी की गलती नहीं है, मैंने तारा से कहा था चाय का। सारा तारा घर की मुलाजिम है, वो इन सब बातों का ध्यान नहीं रख सकती ठीक तरह से, इसलिए तो मैंने नगीन को जिम्मेदारी दी थी। आई एम सॉरी अम्मी, आइंदा ध्यान रखूंगी। अब यहाँ क्या खड़ी हो, जाकर देखो कहीं बिना नाश्ते के ना चला जाए ली। जी क्या सोच रही हो सारा? आंटी वो अगर आपकी इजाजत हो तो आज अम्मी की तरफ चली जाऊं। देखो सारा, आए दिन तुम्हारे महके जाना ना, ना पहले मुझे पसंद था और ना अब। देखो तुम्हें अब अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। देखो मैं नहीं चाहती कि नगीन की तरह खुदा ना खास्ता फिर से हमारी खुशियां अधूरी रह जाएं। मैं अभी फोन करके मना कर देती हूँ उनको। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आज तुम चली जाओ, मगर अम्मी से कह देना कि अब आना जरा मुमकिन नहीं होगा, और शाम को जल्दी आ जाना, डॉक्टर के पास भी जाना है ना। जी आंटी, थैंक यू। मुझे लगता है मैं उस घर की बहू नहीं बल्कि मेड बन गई, और शहर से भी कुछ नहीं कह सकती। उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया कि वो मुझे किसी सूरत सपोर्ट नहीं करेंगे। एक अली है जो सारा के लिए सबके सामने आके खड़ा हो जाता है, और एक मेरे शौहर जो ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोचना भी गवारा नहीं करता। मुझे लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही महसूस कर रही हो, वरना तो एक साथ रहने का मकसद एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। मैं क्या अरीशा का ख्याल नहीं कर रही? मामा आपको तो वारिस की लालच है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा सारा की खातिर करके? जरूरी नहीं कि कुछ मिलने की लालच में किसी का ख्याल करें। बेगर्ज होकर जीना सीख लोगी तो तुम्हारे लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। मुझे जो गम मिला है कभी भी माँ ना बनने का, उसके बाद मेरी जिंदगी में कोई आसानियां पैदा नहीं होने वाली, बल्कि मुश्किलें हर राह की रुकावट बनेगी। और वो सारा, जब वो वारिस दे देगी तो मेरा तो उस घर में जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। तुमने तो कुछ अच्छा ना सोचने की ठान रखी है, जब भी सोचोगी बुरा ही सोचोगी। और मामा आप भी मुझे कभी नहीं समझेगा, और ना ही मेरी फीलिंग्स को। मैं ही बेवकूफ हूँ जो अपना दुख शेयर करने यहाँ आ जाता। मेरी बात सुनो नगीन, बेटा मुझे लगा था कि तुम कुकिंग ज्यादा नहीं करती होगी, लेकिन तुम तो चाय के साथ साथ खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो। अच्छा तो बनना ही था, मैंने बहुत प्यार से बनाया आपके लिए। सैम सच कहूं तो मैं जिंदगी सिर्फ उन्हीं लम्हों में जीता हूं जो तुम्हारे साथ गुजारता। तो फिर आप कोई मौका देख के आंटी से बात करें ना, उन्हें एतमाद में लेके हमारे बारे में बता दें। इतना आसान नहीं है सैम, पहले माँ और फिर लगीन। उन्होंने अगर तुम्हें कबूल नहीं किया तो हमारे दरमियान फिर से दूरियां आ सकती हैं। दूरियां तो अभी भी हैं शहीर, मैं चाहती हूँ एक बीवी की तरह हर पल तुम्हारे साथ गुजारूं। तुम ऑफिस जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूं, अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? तुम्हारे साथ के लिए मैं बरसों तरसा हूं। तो फिर कोई मौका देके आंटी से बात करें ना। ठीक है, मैं कोई सही मौका देखकर बात करता हूं। चलो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। चलेंगे।
मैं आपको बाहर तक छोड़ देती। सारा बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक। बिलाल, आपकी जॉब कैसी चल रही है? बस चल ही रही है, वही रूटीन, लाइफ, फाइल्स। अच्छा, आपकी बातों से तो लग रहा है बहुत बोर हो गए अपनी जॉब से। कुछ ज्यादा ही, जिंदगी में कुछ चेंज होना चाहिए। आप क्यों ना कहीं एक पिकनिक प्लान की जाए? अरे हाँ प्लीज, मैं भी बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ, इसी बहाने कुछ चेंज हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? नहीं, आप लोग ठीक कह रहे हैं, मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन माँ से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। अरे बेटा, शाजिया से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? तुम लोग अब अपने अलग घर में रहते हो तो उसे तो पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली आंटी, हम लोग वापस आ गए अपने घर और माँ ने सारा की जिम्मेदारी अपने सर पर ली है, तो मैं नहीं चाहता कि इसे किसी भी जगह पर सारा को ले जाने से पहले मैं उनसे इजाजत न लूं, अच्छा नहीं लगता। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने, देर आए दुरुस्त आए। अब घर वापस आए गए हो तो ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया होगा तुमने। नहीं आंटी, घर में माँ की वजह से आया हूँ और ऑफिस में अपनी वजह से ज्वाइन। ये क्या बात हुई अली? सारा तुम समझाओ ना इसे, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। अम्मी ये जिद नहीं है, और अली अपने बलबूते पे खड़ा होना चाहते हैं और मैं इनके फैसले में इनके साथ। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? ये आयजा है, हमारी होने वाली भाभी। इधर आओ मेरे पास बैठो। अस्सलाम। ये आयजा है शायान की पसंद। अब बच्चों की पसंद माननी ही पड़ती है। मैंने आज आप सबको यहाँ इसीलिए बुलाया ताकि इन दोनों की शादी की बात आगे बढ़ाई जा सके। अब इनकी फैमिली को इनवाइट नहीं किया? बेटा इसकी कोई फैमिली नहीं है, बस एक मामू मानी है जो बहुत टाइम पहले ही इससे हर रिश्ता तोड़ चुके हैं, इसलिए ये हॉस्टल में रहती है। यूं समझो कि इसका कोई मैका नहीं है। मैका था नहीं लेकिन अब है। मैं हूं ना इसकी बड़ी बहन, इसका मैका। आपसे मिलने से पहले मैं काफी कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन आपकी बात ने जैसे मुझे अपना ये भरा एहसास दिलाया है कि मेरा भी कोई है जो मेरे साथ है। बहनें ऐसे ही हमेशा एक साथ होती हैं हर अच्छे बुरे वक्त में, इसलिए खुद को कभी अकेला महसूस मत करना। आप बहुत अच्छी हैं सारा। अरे भाई, सिर्फ सारा ही अच्छी नहीं है, हम सब भी बहुत खुले दिल के हैं, इसीलिए तो जालिम समाज बनने के बजाय तुम्हें अपनी भाभी को भूल कर लिया। आंटी, निकाह की डेट कुछ डिसाइड की है? हाँ बेटा, अगले महीने की 5 तारीख है। निकाह तो सादगी से अपनों के ही दरमियान होगा। हाँ, वलीमे पर चंद मेहमानों को बुलाकर अच्छी सी दावत कर देंगे। ये तो बहुत खुशी की बात, बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। पर आप मुंह मीठा नहीं कराओगी सबका? जी जरूर। शायद बहुत बहुत मुबारक हो शायद। गुड चॉइस शायान। हाँ हाँ, बस तुम फौरन पहुंचो। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे वक्त पर आई हो, मैं और सारा डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। अम्मी मैं इस वक्त कैसे जा सकती हूँ? पता नहीं नसरीन ने खाने में क्या बनवाया है, और फिर सारा के लिए भी तो कुछ हेल्दी बनवाना है ना। इस वक्त मैं निकल गई तो काफ़ी काम पेंडिंग में रह जाएंगे। आप सारा को लेके जाएं, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हारे रवैये से कि तुम हमारे साथ जाना नहीं चाहती, मुझे वो खुशी नहीं देना चाहती? नहीं अम्मी,
ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आखिर कौन औरत है जो औलाद की खुशी से महरूम रहना चाहेगी? आप मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रही हैं। मैंने इस खुशी को महसूस करके खोया है। मैं चाहकर भी इस फेस से निकल नहीं पा रही हूँ। वो नगीन हादसा तो होते रहते हैं ना। समझदारी तो इसी में कि जो हादसा अपने ऊपर गुजरा हो उसे भुलाकर आगे के बारे में सोचा जाए। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो इस वक्त तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर तुम खुद नहीं जाओगी तो फिर मुझे शहीर से कहना पड़ेगा। सारा, तुम्हारी वजह से अम्मी मुझे इतना फोर्स कर रही। अरे गुड न्यूज़ है तो मेरे लिए हालात और बुरे कर। अगर ऐसा कर भी रहा तो आपको क्यों जलसी हो रही है? देख रहे हो बिलाल, इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम मेरे सुकून के लिए कुछ करो। इतनी जलसी भी अच्छी नहीं है सैम, अपने भाई की कामयाबी पे खुश होना सीखे। शुक्र है तुम आ गए, वरना फखर तो तुम्हारी जॉब के पीछे हाथ ठोकर पड़ा हुआ था। मैं रिजाइन ही करने आई हूँ। तेरा वादा अगर वफा होगा। तुम तो कह रहे थे कि रेहान भी आएगा। बुलाया तो था उसे, आया नहीं। अब अमीर हो गया वो कहाँ हम गरीब रिश्तेदारों की दावतों पे आता फिरेगा। खैर उसको छोड़ें। ये बताएं कि आपने सारा से बात की फिर? हद होती है शयान, तुम्हारे ही सामने देख लो मुझे कब मौका मिला उससे बात करने का। तुमने नहीं देखा कैसे आयजा को अपने साथ लगाए बैठी भी थी, जैसे उसकी सगी बहन हो। बाकी किसी और की तो उसे परवाह ही नहीं थी। इसलिए कहा था फोन पर बात कर लें उससे। अम्मी फोन पर बात करना मुझे मुनासिब नहीं लगा था। वैसे भी सारा मुझसे नाराज है, तुमने देखा नहीं कैसे लिए दिए जरूरतन बात कर रही थी मुझसे। मतलब अब हम उसकी नाराजगी खत्म होने का इंतजार करेंगे उसे बात करने के लिए। ए भाई, सही वक्त का थोड़ा सा इंतजार तो कर लो। जैसे ही मुझे मौका मिला और मुझे लगा कि उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ है, मैं कर लूंगी उससे बात। और वैसे भी शायद सिर्फ सारा के आसरे पर मत रहो, अपनी कोशिशें जारी रखो। अगर मेरी कोशिशों में इतना दम होता तो अब तक मैं रेहान जितना अमीर हो चुका होता ना। अम्मी तो जाकर रेहान की मिन्नतें करो ना, है तो वो तुम्हारी खाला का बेटा। अब रिश्तेदारी के नाते उसका इतना तो फर्ज बनता है ना कि शादी के सब खर्चों का थोड़ा सा बोझ ही बांट ले। बात तो सही, चलें फिर चलते हैं, जाके मिलते हैं उससे। मैं नहीं जा रही हूँ रेहान के आगे हाथ फैलाने। वैसे भी वो और सारा मुझसे बहुत नाराज है। ऐसा ना हो कि कहीं मैं कुछ बोलूं और तुम्हारी बनती बात भी बिगड़ जाए। मैं तो डॉक्टर की बात सुनकर परेशान ही हो गई। हाँ जी, डॉक्टर्स तो ऐसे ही कहते हैं। नहीं सारा, मैं डॉक्टर की बात को सरसरी तौर पर नहीं लेती। उसने तुम्हें बेड रेस्ट के लिए कहा है ना, तो अब तुम आराम ही करोगी। माँ, आप शायद जानती नहीं हैं, सारा ने दोबारा से जॉब रिज्यूम कर लिया। तुम बेशक हमसे दूर रहे हो अली, लेकिन इतने भी बेखबर नहीं थे कि कुछ जानते ही नहीं। रही बात सारा की जॉब की, तो इसे कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की। अली, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। क्या तुम भी यही चाहते हो कि इसकी बद एहतियाती से हमारे घर में जो खुशियां आ रही हैं वो लौट जाए? सारा तुम मुझे बताओ, तुम्हें फैसला करना होगा, तुम्हें अपनी औलाद की खुशी चाहिए या फिर अपने मैके के लिए भाग दौड़ करना। देखो सारा, अगर तुम मेरी बातें साथ समझ के सुनोगी ना तो तुम्हें बुरी लगेंगी। तुम्हें लगेगा कि मैं अपनी हर बात तुम पर मुसल्लत कर रही हूँ। लेकिन अगर तुम माँ समझ कर मेरी बातें सुनोगी ना तो तुम्हें इन सारी बातों के पीछे प्यार नजर आएगा मेरा। और कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी की खुशियां अधूरी रह जाएं।
मेरा ख्याल है माँ बिल्कुल ठीक कह रही है सर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो अब तो शायान भी अपनी जॉब में सेटल हो गया है, उसकी शादी भी होने वाली है। मेरा ख्याल है कि जब तक तुम जिम्मेदारियां निभाती रहोगी उसे एहसास नहीं होगा कि ये जिम्मेदारियां अब उसकी होनी चाहिए। ठीक है, मैं कल ही ऑफिस जाके अपना रेजिग्नेशन दे आऊंगी। जीती रहो बेटा। शुक्र है तुम आ गई, वरना फखर तो तुम्हारी जॉब के पीछे हाथ ठोकर पड़ा हुआ था। मैं रिजाइन ही करने आई हूँ। अली ने कुछ कहा है? उसकी वजह से जॉब छोड़ गए तुम? उस दिन वो तुम पर गुस्सा कर रहा था। अली का गुस्सा गलत नहीं था। अली गुस्सा गलत नहीं था, लेकिन उसको मेरा तो लिहाज कर लेना चाहिए था। और ये कौन सा तरीका हुआ कि बीवी को देखते ही गुस्सा करना शुरू हो जाए उस पर? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है रेहान, वो भी मेरे लिए। बेहतर होगा कि तुम भी मेरी तरह मूव ऑन कर दो। अपना ख्याल रखो। खैरियत है, आज ऑफिस से जल्दी आ गए तुम। इतनी एक्साइटमेंट थी कि मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए जल्दी ऑफ करके आ गया। कैसी एक्साइटमेंट? बिलाल, सीरियसली? तुमसे कहा था ना हम अपना घर लेंगे, अभी पहली इंस्टॉलमेंट पे की है, बाकी की भी हो जाएंगी और इंशाल्लाह एक दो साल में हमारा अपना घर भी होगा। और इस सब के लिए पैसे आ कहां से रहे? मेरी प्रमोशन हुई। प्रमोशन में भी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं हो जाती कि लाखों की इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाए। किसे बेवकूफ बना रहे? आपको इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तुम मेरे भाई हो और तुम जब भी कोई गलत कदम उठाओगे मैं तुम्हें जरूर टोकूंगी। बात सही या गलत की नहीं है सैम, बात यह कि आप अपने भाई को इंडिपेंडेंट होता हुआ नहीं देख सकते। तुम बीच में मत बोलो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। क्यों ना बोलूं? आप मेरे शौहर पे इल्जाम लगा रही हैं और मैं खामोश हूं? हाँ तुम तो बोलोगी, क्योंकि ये सब वो तुम्हारे लिए कर रहा है। अगर ऐसा कर भी रहा तो आपको क्यों जलसी हो रही है? देख रहे हो बिलाल, इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम मेरे सुकून के लिए कुछ करो। इतनी जलसी भी अच्छी नहीं है सैम, अपने भाई की कामयाबी पे खुश होना सीखे। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। और जहां तक रही मेरे भाई की कामयाबी की बात, जब वो सही तरीके से अपने बलबूते पे कामयाब होगा तो सेलिब्रेट करने वाली सबसे पहले मैं होंगी। बिलाल संभल जाओ वरना बहुत पछताओगे तुम।
भाभी मैं आपकी हेल्प कर दूं? नहीं, डिजर्ट बना रही हूँ, ऑलमोस्ट डन है, बस ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग करनी है। तुम प्रोटोकॉल एंजॉय करो, काम मैनेज करने के लिए मैं हूं ना। भाभी आप अपसेट लग रही हैं। देखिए मैं जानती हूँ कि आप परेशान हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये औलाद सिर्फ मेरी नहीं होगी, इस पे आपका भी पूरा हक होगा। ऐसे कह देने से पराई औलाद पे हक नहीं हो जाता। और किसी ने तुम्हें ये बात करते हुए सुन लिया ना तो मेरी तरफ से खटक जाएंगे कि पता नहीं क्या वजह है जो तुम मुझसे ऐसे बोल रही हो। भाभी आप मुझे परेशान लग रही थी इसलिए मैं सिर्फ आपको तसल्ली दे रही थी। सारा मुझे तसल्ली देना चाहती हो तो इस टॉपिक को बार बार डिस्कस करना छोड़ दो। मेरी महरूमी का एहसास मत दिलाया करो मुझे तुम। सारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ आई क्यों हो? जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो। नगीन बेटा सारा के लिए जूस लेकर आओ कमरे में। फरा नहीं आई कोचिंग से? तुम गए नहीं रेहान से बात करने? नहीं। सारा को फोन किया? खुदा गवाह शायान, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सारा से बात करने में इतनी उलझन नहीं हुई जितनी अब हो रही है। मुझे रह रहकर यही ख्याल आता है कि सारा की नाराजगी मुझसे खत्म हुई है कि नहीं, वो मेरा फोन उठाएगी भी या नहीं। ये जो सारे सवाल आप खुद से कर रही हैं, इसका जवाब तो सिर्फ कॉल करके मिलेगा ना? ट्राई तो करें, इतना अरसा हो चुका है, आधे महीने से तो आप खुद सोच रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा सारा तुमने इतनी देर से फोन उठाया? जी वो कुछ बिजी थी। हाँ जाहिर है, अब तुम ससुराल चली गई हो तो सास ने कामों में लगा कर रखा होगा तुम्हें। नहीं अम्मी, वो तो मुझे हिलकर पानी भी नहीं पीने देती। अच्छा, शाजिया तुम्हारे नाज नखरे उठाने वाली लगती तो नहीं है? हमें वो बजाय सख्त लगती हैं लेकिन उनका दिल बहुत नरम है, तभी तो मेरा ख्याल सगी माओं की तरह रख रही हैं। जिंदगी भर में मैंने इतना आराम नहीं किया। बाबा की डेथ के बाद से किसी रोबोट की तरह सुबह से शाम तक काम करती रही। अपने लिए सोचने का, आराम करने का वक्त ही नहीं मिला। बेटा बात यह है कि हम मिडिल क्लास लोगों को ना अपनों के लिए जीने से फुर्सत मिले तो अपने लिए जिए ना। अब तुम ठहरी एक बड़े घर की बहू, मगर तुम्हारी माँ तो उसी छोटे से घर में रहती है जहां दाल चावल घर के बिलों के खर्चों ने परेशान कर रखा है। खैर तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं की कि मैं तुम्हें अपने दाल रोटी के खर्चे गिनवा सकूं। बस मुझे इतना बताना था कि शादी सर पर खड़ी है, तुम्हारा इकलौता भाई है, उसकी शादी के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। तुम अगर हो सके तो इस बार अपनी तनख्वाह के साथ साथ ऊपर के खर्चों के लिए पैसे भिजवा देना मेरे अकाउंट में। अम्मी मैंने जॉब छोड़ दी है। सारा तुम क्या कह रही हो? तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। मैं तो तुम्हारी तनख्वाह के आश्रय पर घर के कितने खर्चों का सोचकर बैठी हुई थी। अम्मी डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है और आप तो जानती है ना आंटी को,
उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था। लेकिन बेटा तुम खुद ही सोचो, ऐसे कैसे गुजारा होगा। अब शायान की तनख्वाह इतनी ज्यादा थोड़ी है कि इस घर की सब जिम्मेदारियों का बोझ मैं उसके कंधों पर डाल दूं। तो अम्मी मैं क्या करूं, आप ही बताएं ना। शोहर और सास के खिलाफ तो नहीं जा सकती। मेरे अकाउंट में कुछ सेविंग है, मैं आपको ट्रांसफर कर देती हूँ। हेलो, देख लिया कैसे साफ साफ उसने मना कर दिया। एक दफा भी अपने इकलौते भाई के बारे में नहीं सोचा उसने। तुम्हें अभी भी सिर्फ अपनी पड़ी, यहाँ घर के सब खर्चों का सोच सोच कर मेरे दिल में हौल उठ रहे। तुम्हारी इतनी सी तनख्वाह से आखिर कैसे गुजारा होगा। जैसे तैसे करके ये महीना गुजारने। अम्मी अगले महीने तो वैसे ही आइजा आ रही है ना घर में, सब मैनेज हो जाएगा। अच्छी खासी सैलरी है उसकी, साइड पे कमीशन अलग। अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है। सारा ने कभी ना कभी तो पीछे हटना ही था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पहले से ही सबब बना दिया अल्लाह। हाँ तो अब इस सबब को घर लाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? तुम रेहान को फोन मिलाओ और बात करो। नहीं, इस तरह की बातें फोन पर नहीं होती, इसके लिए मिलना पड़ेगा, थोड़ा सा रोना पड़ेगा। हाँ तो जाओ फिर, यहां बैठकर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो, जाओ। सही कह रही हैं। तुम्हें धचका लगा होगा और इस शॉप से निकलने में कुछ वक्त तो लगेगा। तम्मी काफी परेशान हो गई थी। अंदाजा हो रहा है मुझे, लेकिन साइम तुम सारी जिंदगी तो अपने घर वालों की जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा सकती। तुम्हारा अपना घर है, जब तक हमारी फैमिली भी स्टार्ट होने वाली है। अब तुम्हें अपने बारे में सोचना पड़े। राहजन वाला आंटी का तो उन्हें चाहिए वो शायान को इस बात का एहसास दिलाए कि वो घर अब उसकी जिम्मेदारी। शायान बहुत लापरवाह है, आपको पता तो है। यही तो मसला है, हम सामने वाले के बारे में कभी कभी सोचते हैं जैसे वो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकता, और उल्टा उसकी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा देते। उस इंसान को भी लगता है कि मैं हर किस्म की फिक्र से आजाद हो गया। ये बहुत गलत करते हैं, और तुमने भी तो आज तक यही सोचकर अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। अब शुक्र है तुम्हारी तबीयत की वजह से शायद को शायद इस बात का एहसास हो कि वो मजीद अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता, उसे और मार्जिन नहीं मिलेगा। उसे अब हर हाल में अपने घर का बोझ अपने कंधों पे उठाना होगा। और अगर उसे एहसास ना हुआ तो? तब की तब देखेंगे। तुम इतना क्यों सोच रही? शायद मेरी मट्टी के खमीर में शामिल है अपनों के लिए सोचना, उनके लिए परेशान होना। तुमने जितना परेशान होना था वो लिया, अब अगर सोचना ही है तो हमारे बेबी के बारे में सोचो और उसके बाबा के बारे में सोचो। तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरी मेहंदी जान जाएगी।
देखते देखते आ गया PSL 9, और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव A Sports पर।